सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में उपस्थित हो गया हूँ दिन विशेष लेकर, जो है 30 जुलाई के। जी हाँ बहनों भाइयों, तो सबसे पहले श्री नारायण का आपको सस्नेह नमस्कार। और आज के दिन विशेष में जन्मदिन, ऐतिहासिक घटनाएं, स्मृति दिन, आज का विचार, आज का सवाल और जिसका जवाब, तो सब कुछ एक ही पैकेज में, ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज है भाई, जिसका नाम है दिन विशेष विद NGC यूट्यूब चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, और आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए बहनों भाइयों, शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें 30 जुलाई के ये रहे सबसे पहले सुविचार। जी हाँ बहनों भाइयों, सुविचार आज का ये है, दो सुविचार छोटे छोटे। पहला सुविचार, व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। जी हाँ, छोटा सा सुविचार, व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। दूसरा सुविचार, जो भी व्यक्ति जीवन का आनंद उठा रहा है वो असफल नहीं है भाई। जी हाँ, फिर एक बार, जो भी व्यक्ति जीवन का आनंद उठा रहा है वो असफल नहीं है, वो सफल है हमेशा के लिए। तो चलिए बहनों भाइयों, ये हुआ आज का सुविचार, दो सुविचार। अब आज का सवाल, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है, आधा दिमाग सोया हुआ और आधा जागा होता है, तो ऐसा कौन सा पक्षी भाई, ये कारनामा कौन सा पक्षी कर सकता है, तो ढूंढिए। और अगर अंत में आपको जवाब ना मिले तो अंत में वीडियो के मैं इसका जवाब दे दूंगा, ये वादा है बहनों भाइयों। तो चलिए अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज विश्व मित्रता दिवस है। जी हाँ, आज विश्व मित्रता दिवस है और आज विश्व मानव तस्करी विरोधी दिन है। और आज के दिन दूरदर्शन के कार्यक्रमों की प्रसारण की शुरुआत हुई थी। तो चलिए बहनों भाइयों, आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपको मंगलमय और शुभ रहे, यही ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज के दिन विशेष, जो है 30 जुलाई के। और 30 जुलाई के ये रहे सबसे पहले ऐतिहासिक घटनाएं। ईसा पूर्व 762 में खलीफा अल मंसूर, इन्होंने बगदाद शहर की स्थापना की। 1629 में इटली के नेपल्सिस शहर में एक भूकंप आया जिसमें 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। 1930 में पहला फुटबॉल विश्व कप उरुग्वे इस देश ने जीता था। 1962 में ट्रांस कैनेडा हाईवे, जो 8,030 किलोमीटर लंबा, ये विश्व का सबसे बड़ा महामार्ग शुरू हुआ। 1971 में अपोलो 15 चांद पर पहुंचा। 1997 में लता मंगेशकर जी को राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार घोषित किया गया। 2000 में चंदन तस्कर वीरप्पन, इन्होंने एक्टर अभिनेता राजकुमार को अपहरण किया था। 2000 में किसी भी एक विधेयक निकला था, किसी भी प्रवासी वाहन से कोई प्रवासी दुर्घटना के कारण नीचे गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस वाहन का वाहन चालक जिम्मेवार नहीं रहेगा, ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है भाई। 2001 में जलतज्ञ राजेंद्र सिंह, इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार घोषित किया गया। 2012 में दिल्ली में पावर ग्रिड खराब होने के कारण उत्तर भारत के 30 करोड़ लोगों की बिजली एक साथ खंडित हो गई थी। 1836 में अमेरिका के हवाई शहर में पहला इंग्लिश भाषिक समाचार पत्र शुरू हुआ। 1909 में अमेरिकी वैज्ञानिक राइट बंधु, इन्होंने सैनिकों के लिए पहला विमान तैयार किया।
1966 में इंग्लैंड के फुटबॉल टीम ने पहली बार विश्व कप फुटबॉल जीता। जी हाँ, 1729 में इंग्लैंड में मैरीलैंड में बाल्टीमोर शहर की स्थापना हुई। 1825 में माल्दन द्वीप की खोज की गई। 1930 में एन फॉर नागपुर, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर कलकत्ता NBC रेडियो पर डेथ वैली डेज का पहला प्रसारण हुआ। 1932 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में 10वें आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की गई। 1957 में एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हुई। 1980 में वनुआतो, ये देश का नाम है, वनुआतो ये देश आज़ाद हुआ। 2000 में 3 बार लगातार फ्रांस का भ्रमण करने वाले लांस आर्मस्ट्रांग पहले अमरीकी बने। 2007 में चीनी वैज्ञानिकों ने झैंग झाऊ में लगभग 50 लाख साल पुरानी चट्टानों की खोज की। 2010 में साइना नेहवाल इन्हें, जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तथा सुनील छेत्री फुटबॉल खिलाड़ी, झूलन गोस्वामी क्रिकेट खिलाड़ी, राजू तोमर कुश्ती, संदीप सिंह हॉकी, इनके सहित 15 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2010 का 29 अगस्त को प्रदान करने की घोषणा की गई थी। और 1987 में पहले दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू हुआ। तो ये हुई आज के ऐतिहासिक घटनाएं। अब आज के जन्मदिन जो है 30 जुलाई के, इंग्लिश लेखिका एमिली ब्रांट 1818, जर्मन उद्योगपति जॉर्ज विल्हेम फॉन सिमेंस 1855, फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड 1863, भारतीय अंग्रेजी चित्रकार और मूर्तिकार गैरी जहूदा 1951, सुप्रसिद्ध पार्श्वगायक सोनू निगम 1973, इंग्लिश क्रिकेट खिलाड़ी जेम्स एंडरसन 1982, महिला चिकित्सक समाज सुधारक पद्मभूषण से सम्मानित मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी 1886, इतिहासकार संस्कृतज्ञ सौंदर्य शास्त्री पद्मश्री से सम्मानित गोविंद चंद्र पांडे 1923, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित मराठी हिंदी अभिनेत्री सुलोचना दीदी लाटकर, जिन्हें पद्मश्री भी दी गई थी 1928, सेवानिवृत्त भारतीय नागरी सेवक, भारत के 16वें चुनाव आयुक्त, लेखक नवीन चावला 1945, अभिनेत्री आकांक्षा सिंह 1990, अभिनेत्री मंदाकिनी 1963, अभिनेता सोनू सूद 1973, बंगाली क्रांतिकारी सत्येंद्रनाथ बोस तथा सत्येन बोस 1882, अभिनेत्री प्रियंका छाबरा 1994, गुजराती और इंग्लिश लेखिका भाषांतरकर्ता रीटा कोठारी 1969, ऑस्ट्रेलियन अमेरिकी बॉडी बिल्डर और अभिनेता और कैलिफोर्निया के 38वें राज्यपाल अर्नोल्ड श्वार्जनेगर 1947, पॉलिटिशियन सुधीर मुनगंटीवार
1962 हाईकोर्ट जज ऑफ इंडिया यानी भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अजय मानिकराव खानविलकर 1957 ढाका के दूसरे नवाब ख्वाजा अब्दुल घानी 1813 लेखक सदानंद नामदेवराव देशमुख 1959। तो ये हुए आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन, आज के यानी 30 जुलाई के स्मृति दिन इस प्रकार से हैं। पेंसिल्वेनिया के स्थापक विलियम पेन 1718, जर्मनी के पहले चांसलर ऑटो फॉन बिस्मार्क 1898, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के स्थापक जॉन गैम्पर 1930, ऑस्ट्रेलिया के छठे प्रधानमंत्री जोसेफ कुक 1947, कर्नाटक के सिंह यानी कर्नाटक के लायन स्वतंत्रता सेनानी गंगाधर बालकृष्ण देशपांडे 1960, शास्त्रीय नाट्य गायक कलाकार वसंतराव देशपांडे 1983, मराठी ग्रामीण साहित्यिक तथा फिल्म कथा लेखक, पटकथा लेखक और महामंडल के संस्थापक सचिव शंकर पाटिल 1994। स्वीडिश फिल्म दिग्दर्शक इग्मार बर्गमन 2007, इटालियन फिल्म दिग्दर्शक मिकेलांजेलो अंतोनियोनी 2007, संगीत समीक्षक डॉक्टर अशोक रानडे 2011, भारतीय इंग्लिश लेखक कवि नाटककार बेंजामिन वॉकर 2013, अंग्रेजी कवि पत्र लेखक शास्त्र के अभ्यासक थॉमस ग्रे 1771, मराठी संगीतकार बाल पलसुले 2012 और बंगाली लेखक उपन्यासकार कवि विभूति भूषण मुखोपाध्याय 1987। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। जी हाँ भाई, जो इसी के साथ ही आज के दिन विशेष खत्म करने की इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले भाई सवाल का जवाब देना बाकी है। तो सवाल क्या था आज का? सवाल है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला कर रखता है, आधा जगा कर रखता है? तो जवाब है बत्तख है ना। तो बत्तख नाम का ये पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है और आधे दिमाग को जगा रख सकता है। अधिक जानकारी के लिए भाई गूगल सर्च कीजिएगा। तो चलिए मेरा भाइयों, इसी के साथ ही आज के दिन विशेष खत्म करते हैं। आज की जानकारी और दिन विशेष कैसा लगा भाई, ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मेरा भाइयों, इसी के साथ ही अब मैं लेता हूँ विदा। कल मिलते हैं फिर एक बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी नारायण को दीजिएगा आज्ञा नमस्कार। बहन भाइयों, अलविदा।